आप देख रहे हैं सीएनआई न्यूज़ और मैं हूं सैयद अब्द काजमी। नाज़रीन, आज हमारे साथ यहां बर्मिंघम में मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब, जो मारूफ सिंगर हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की पहचान हैं, पाकिस्तानी कल्चर की पहचान करवा रहे हैं बैरून ममालिक। आपको वेलकम कहते हैं और बहुत शुक्रिया आपका सीएनआई को टाइम देने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया। अच्छा, ये बताएँ कि आप काफ़ी अर्से बाद बरतानिया में आएँ, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ओवरसीज कम्यूनिटी से? बहुत अच्छा लग रहा है, अपनों से मिला हूँ, देर बाद मिला हूँ, बहुत खूबसूरत मुलाकातें हो रही हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं, जो बहुत मशहूर हुई थी और आज भी यहाँ जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, और सदाबहार गीत है। आप दो बोल सुनाएंगे। ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौलाईली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी। पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज, आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने मुल्क के लिए फ़ख्र रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मुल्क का फ़ख्र रखे। अभी नई गवर्नमेंट आई है तो इससे क्या आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में जो गुलकार हैं, अदाकार हैं, उनके लिए कोई फिल्म इंडस्ट्री में चेंजिंग आ रही है? जी बिल्कुल, हमें हम पूरी उम्मीद हैं कि बड़े अच्छे प्लान किए जा रहे हैं और अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, और हो रही है इंशाल्लाह। अच्छा, पंजाबी ज़बान से प्यार करने वालों के लिए एक रास्ता खोला गया, उसके लिए एक मैसेज? बस मैं ही कहूँगा कि एक दूसरे नाल करो प्यार, एक दूजे नाल करो प्यार, कहंदा है तुहानू आरिफ लोहार, एक दूजे नाल करो प्यार। एक अपनी पसंद का गीत, ए धरती पंज दरियां दी, ए धरती, ए धरती पंज दरियां दी, ए धरती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारे साथ आरिफ लोहार साहब मौजूद थे और इनका कहना था कि बरतानिया का जो दौरा है हमारा वो अंतई अच्छा रहा है, और मजीद उम्मीद है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को महसूस करने में मैं अहम करदार अदा करूँगा।